अभी हम कुछ और हॉर्मोन्स की बात करेंगे जो एनिमल्स में डिफरेंट ग्लैंड से क्या होते हैं, रिलीज होते हैं, एक्सक्रीट होते हैं। जैसे कि सबसे ऊपर ब्रेन के पास होते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड का एक और नाम होता है मास्टर ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो ग्लैंड है इससे निकलने वाला हार्मोन बाकी सभी ग्लैंड जितने भी बच गए उन सभी को कंट्रोल कर सकता है। इसलिए इस ग्लैंड का नाम क्या है, मास्टर ग्लैंड। इसका नाम है पिट्यूटरी ग्लैंड का, जो होती है हमारे कहाँ पर, ब्रेन में। नीचे जाएंगे गले में, थ्रोट में क्या होती है एक ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड। थायरॉइड ग्लैंड से जो हॉर्मोन निकलता है इंपॉर्टेंट है थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हॉर्मोन जो है, थायरोक्सिन हॉर्मोन जो है वो क्या काम करता है, ग्रोथ का काम करता है चिल्ड्रंस में। ग्रोथ का काम चिल्ड्रंस में करता है थायरोक्सिन हॉर्मोन। अगर ये थायरोक्सिन हॉर्मोन ठीक से रिलीज ना हो तो क्या हो सकता है, चिल्ड्रन चाइल्ड की ग्रोथ क्या हो सकती है, रुक सकती है वो, क्या रह सकता है उसकी हाइट कम रह सकती है वो, होना भी रह सकता है। तो यानी कि ग्रोथ हॉर्मोन कौन सा है, थायरोक्सिन हॉर्मोन, और कहाँ से रिलीज होता है, थायरॉइड ग्लैंड से। अगर यहाँ से थायरोक्सिन हॉर्मोन कम निकलना शुरू हो जाए, कमी हो जाए थायरोक्सिन हॉर्मोन, तो थायरोक्सिन हॉर्मोन की कमी से एक रोग हो जाता है, एक डिजीज हो जाती है जिसका नाम है गोइटर। गोइटर यानी कि घे का, जिसको हिंदी में बोलते हैं, गले का रोग है। और इसकी किसकी कमी से होता है, ये थायरोक्सिन हॉर्मोन जो कि कहाँ से निकलता है, थायरॉइड ग्लैंड से निकलता है। इसको ढंग से काम करने के लिए एक एलिमेंट की जरूरत होती है, एक न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है, जिसका नाम है आयोडीन। अगर हम आयोडीन मिला हुआ खाना खाएंगे, आयोडीन सब्सटेंस लेंगे हमारे फूड में एज ए न्यूट्रिएंट, तो उससे इस थायरोक्सिन हॉर्मोन के रिलीज में कमी नहीं होगी और चिल्ड्रंस में गोइटर नाम का जो रोग है डिजीज है वो नहीं होगी, और दूसरे तरीके की बीमारियां जैसे कि ग्रोथ रिलेटेड कोई भी बीमारी उसमें नहीं होगी। ये है थायरॉइड ग्लैंड के बारे में। अब आगे आता है पैनक्रियाज ग्लैंड। पैनक्रियाज नाम की जो ग्लैंड है उससे हार्मोन निकलता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है। पैनक्रियाज से जो हार्मोन निकलता है उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। उसका नाम है इंसुलिन हार्मोन। इंसुलिन हार्मोन क्या काम करता है, ये हमारे ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल रखता है। अगर ज़्यादा हो जाए तो उसको क्या कर देगा, डाइजेस्ट करके उसको लेवल में लेके आ जाएगा। अगर ब्लड में शुगर की लेवल ज़्यादा हो जाए तो इंसुलिन हार्मोन भी रिलीज होना क्या हो जाएगा, ज़्यादा, तो उस ज़्यादा शुगर को ये इंसुलिन हार्मोन क्या कर देगा, डाइजेस्ट कर देगा, लेवल कर देगा, और ब्लड का शुगर लेवल क्या हो जाएगा, कंट्रोल। अगर ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए, ब्लड में शुगर का लेवल कम हो जाए तो इंसुलिन भी रिलीज होना क्या हो जाएगा, कम, और इससे ब्लड में धीरे 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 शुगर का लेवल क्या दोबारा शुरू हो जाएगा, ज़्यादा और एक लेवल पर आ जाएगा। ये सारा मैकेनिज्म एक फीडबैक सिस्टम के द्वारा ऑर्गेनाइज होता है, अच्छे तरीके से जुड़ा होता है, जिसको हम बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म इसके कारण ब्लड में शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। इंसुलिन हॉर्मोन जरूरी है ब्लड में शुगर के लेवल को कंट्रोल करने के लिए। अगर किसी भी पर्सन में, किसी भी इंसान में अगर शुगर का लेवल कंट्रोल नहीं होता, उसका एक ही कारण होता है कि उसकी पैनक्रियाज ग्लैंड इंसुलिन हॉर्मोन रिलीज नहीं कर रही है। तो ग्लैंड अगर इंसुलिन हॉर्मोन रिलीज नहीं कर रही तो उसको पेशेंट को अलग से आपको क्या देना पड़ेगा, इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ेगा थ्रोबोटिक, और ये काम उसको डेली करना पड़ेगा, क्योंकि डेली ब्लड में शुगर जाएगी तो उसको रेगुलेट करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए, डाइजेस्ट करने के लिए आपको इंसुलिन का हार्मोन डेली लेना पड़ेगा। इसकी डोज आपको डेली लेनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि बॉडी से इंसुलिन हार्मोन उसको कंट्रोल करने के लिए रिलीज नहीं हो रहा। ये है पैंक्रियाज ग्लैंड और उससे निकलने वाले हार्मोन
इंसुलिन के बारे में। अब है एड्रेनल ग्लैंड, जिसके हम पहले ही एक वीडियो देख चुके हैं, और इसके बाद आते रहता है दो अलग अलग ग्लैंड, मेल में अलग होती है, फीमेल में अलग। अभी यहाँ पे क्या है, फीमेल की जो ग्लैंड है ओवेरी, ओवेरी ग्लैंड है, उससे जो हॉर्मोन निकलता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, सॉरी उसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो हॉर्मोन है वो किस ग्लैंड से रिलीज होता है, ओवेरी से। ओवेरी से जो हॉर्मोन रिलीज होता है उसका नाम है एस्ट्रोजन। किस में रिलीज होता है, ओनली इन फीमेल, ये हॉर्मोन सिर्फ फीमेल में रिलीज होता है। मेल में जो हॉर्मोन रिलीज होता है उस हॉर्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, और उस ग्लैंड का नाम है टेस्टिस ग्लैंड। टेस्टिस ग्लैंड से जो हॉर्मोन रिलीज होता है, टेस्टिस ग्लैंड से जो हॉर्मोन रिलीज होता है उस हॉर्मोन का नाम है टेस्टोस्टेरोन, ओनली इन मेल्स, यानी कि पुरुषों में होता है ये सिर्फ, और ओनली फीमेल्स, केवल महिलाओं में कौन सी ग्लैंड होती है, ओवेरी ग्लैंड, जहाँ से हार्मोन जो निकलता है उसका नाम है एस्ट्रोजन हॉर्मोन। ये था डिफरेंट हॉर्मोन्स इन एनिमल्स।